हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अब है एक्सेल कंप्यूटर। स्टूडेंट्स, ट्रिपल सी सितंबर की एग्जाम डेट आ चुकी है। अगर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखिए जिसमें ट्रिपल सी सितंबर एग्जाम की हर एक अपडेट्स मैंने आपको बताई। 6 सितंबर से आप सभी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो 6 सितंबर को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम कब है और किस प्लेस पे आपका एग्जाम। आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट बैंकिंग क्वेश्चंस जो न्यू पैटर्न पर आधारित होंगे। बहुत दिनों से समृद्धि जी, राजीव जी और सुजीत जी, अपूर्वा जी, ऐसे बहुत सारे लोगों पर डे कमेंट्स कर रहे थे, पर्सनल मैसेज भी थे कि सर 7th चैप्टर, 8th चैप्टर और 9th चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कीजिए। अगस्त में जो एग्जाम हुआ था वो भी न्यू पैटर्न पे ही हुआ था और उस एग्जाम में 7th, 8th और 9th इन तीनों चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। तो इस बार भी ट्रिपल सी एग्जाम में उन चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे। तो अब हम आपको पूरी तैयारी न्यू पैटर्न पे कराने वाले हैं। स्टूडेंट्स, जो इंपॉर्टेंट बैंकिंग क्वेश्चंस आज हम बताने वाले हैं वो पूरी तरह नए क्वेश्चंस होंगे। उन क्वेश्चंस को हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस नहीं किया है और ये सारे क्वेश्चंस लगभग आपके लिए भी नए होंगे जो इससे पहले आपने नहीं पढ़ा। हर क्वेश्चन के लिए आपके पास 3 सेकंड की टाइमिंग होगी। उस 3 सेकंड की टाइमिंग में आपको जो भी आंसर आपके माइंड में है कमेंट करके बताना। स्टूडेंट्स, अगर आपके भी मन में कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है आपकी, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम कहीं पे भी अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके आप हमें मैसेज कर सकते हैं, जिसका तुरंत मैं आपको रिप्लाई दूंगा और जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस जरूर करें। अगर आप मेल करना चाहते हैं तो हमारी मेल है abhayexcelcomputer@gmail.com। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है, RTGS की टाइमिंग क्या है? सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक, 9 बजे से 2 बजे तक, 10 बजे से 4 बजे तक या 8 बजे से 7 बजे तक? इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे। जो वर्किंग डे है सोमवार से शुक्रवार तक, वो इसकी टाइमिंग है 9 बजे से 4:30 बजे तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, NEFT की टाइमिंग क्या है? NEFT का फुल फॉर्म क्या होता है आप सभी जानते होंगे, हमने प्रीवियस क्लास में भी बताया है, नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, पहला ऑप्शन है 9 AM टू 4 PM, 9 AM टू 2 PM, 10 AM टू 4 PM एंड 8 AM टू 7 PM। इसका राइट आंसर है सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक। तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की टाइमिंग जो है वो सुबह 8 से शाम 7 बजे तक होती है। नेक्स्ट, IMPS की टाइमिंग क्या है? सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक, 24x5, 24x6 या 24x7? इनका क्या मतलब है यहाँ पर, अर्थात सप्ताह के 5 दिन 24 घंटे कभी भी आप इस सर्विस का लाभ उठा सकते हैं, या सप्ताह के 6 दिन 24 घंटे, या सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे आप इस सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, 24x7, अर्थात IMPS की जो सर्विस है वो आप 24 घंटे में कभी भी इसका लाभ ले सकते हैं। IMPS, NEFT और RTGS से बहुत बेटर होता है। अगर आप रात में NEFT के द्वारा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो अकाउंट में पैसा नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही जाएगा, लेकिन IMPS के द्वारा ऐसा नहीं होता है। इसमें जो भी आप ट्रांसफर करते हैं वो तत्काल आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, AEPS के माध्यम से लेन देन में बैंक द्वारा कितने रुपए की सीमा तय की गई है? 1 लाख, 50,000, 2 लाख या 10,000? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, 50,000। AEPS का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी एग्जाम में पूछा गया है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम से लेन देन के लिए अलग अलग बैंकों ने या लगभग सभी बैंकों ने एक ट्रांजेक्शन लिमिट फिक्स की है और वो है 50,000। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, NEFT की शुरुआत कब हुई? नवंबर 2005, नवंबर 2007, नवंबर 2017 या अगस्त 2016?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट नवंबर 2005। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की शुरुआत नवंबर 2005 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीजीएस के द्वारा ट्रांजेक्शन की मिनिमम लिमिट क्या है? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या 1 करोड़। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड 2 लाख। आरटीजीएस के द्वारा ट्रांजेक्शन के लिए एक मिनिमम लिमिट फिक्स है, अर्थात 2 लाख रुपए से ज्यादा का ट्रांजेक्शन, 2 लाख रुपए से कम का ट्रांजेक्शन आप नहीं कर सकते। अगर आप 1,99,999 रुपए का भी ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो वो ट्रांजेक्शन आप इसके माध्यम से नहीं कर सकते हैं। कम से कम 2 लाख रुपए की राशि ट्रांजेक्शन के लिए होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको उससे कम करना है तो आप NEFT या IMPS के द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट, RTGS के द्वारा 3 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन करने पर कितने रुपए चार्ज देना पड़ता है? अलग अलग सर्विस में अलग अलग टैक्सेस कंपनियों द्वारा और बैंकों के द्वारा फिक्स किए जाते हैं। तो RTGS के द्वारा अगर आप 3 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें कितने रुपए आपको चार्ज देने होंगे? 50 रुपए प्लस GST चार्ज, 25 रुपए प्लस GST चार्ज, 20 रुपए प्लस GST चार्ज और 45 रुपए प्लस GST चार्ज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड 25 रुपए प्लस GST चार्ज। 2 लाख से 5 लाख रुपए तक के ट्रांजेक्शन में 25 रुपए प्लस GST चार्ज अलग से कटता है। अगर ट्रांजेक्शन आपका 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो उसके लिए आपको 50 रुपए अलग से प्लस GST चार्ज आपको पेड करना होगा। जितना अमाउंट होगा उस अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगा आपका GST अमाउंट, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन सेकेंड 25 रुपए प्लस GST चार्ज एप्लीकेबल ऑन 3 लाख ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा ऋण किसके लिए दिया जाता है? देश एवं विदेश में पढ़ने के लिए, ट्यूशन फीस एवं अन्य खर्चों के लिए, कोर्स पूरा करने के लिए या उपरोक्त सभी। तो शिक्षा ऋण देश एवं विदेश में पढ़ने के लिए भी दिया जाता है, ट्यूशन फीस एवं अन्य खर्चों के लिए भी दिया जाता है, कोर्स पूरा करने के लिए भी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी, अर्थात इन सभी के लिए शिक्षा ऋण उपलब्ध होता है। स्टूडेंट्स, इन सभी क्वेश्चंस की PDF आपको हमारे ब्लॉग www.abhaiexcelcomputer.blogspot.com पे अवेलेबल मिल जाएगा। नेक्स्ट, पैन संख्या की आवश्यकता होती है 50,000 से कम की राशि जमा करने में, 50,000 एवं उससे अधिक की राशि जमा करने में, 1 लाख से अधिक राशि जमा करने में या सभी लेन देन पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड 50,000 एवं उससे अधिक की राशि जमा करने के लिए हमें पैन नंबर की आवश्यकता पड़ती है। अगर 50,000 से कम की राशि हमें जमा करनी है तो उसके लिए पैन नंबर की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है, अर्थात पैन नंबर कंपलसरी नहीं होता। नेक्स्ट, QR कोड का प्रयोग सबसे पहले कहां हुआ? जापान में, भारत में, अमेरिका में या इंग्लैंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट जापान में। QR कोड का प्रयोग सबसे पहले जापान में किया था। अभी तक आपने QR कोड का फुल फॉर्म, QR कोड क्या है ये पढ़ा होगा, लेकिन इसका प्रयोग सबसे पहले कहां हुआ? तो जापान में सबसे पहले इसका प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट, अधिकतम राशि का चेक क्या है? 100 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए, कोई सीमा नहीं या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। सॉरी, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 कोई सीमा नहीं है, अर्थात अधिकतम राशि चेक की कोई सीमा नहीं है। आपके अकाउंट में जितना बैलेंस हो ज्यादा से ज्यादा वो आप ट्रांजेक्शन चेक के द्वारा कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 कोई सीमा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, UPI की शुरुआत कब हुई? 23 दिसंबर 2016, 23 नवंबर 2016, 11 अप्रैल 2016 और 15 अगस्त 2014। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3
11 अप्रैल 2016 को यूपीआई की शुरुआत एनपीसीआई नेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ पेमेंट के द्वारा किया गया था, नेशनल कॉर्पोरेशन पेमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, फिक्स्ड डिपॉजिट को अधिकतम अवधि कितनी होती है, 5 वर्ष 7 वर्ष या 10 वर्ष, अर्थात मियादी जमा की अधिकतम अवधि कितनी होती है। तो सर राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 10 वर्ष, अधिकतम 10 वर्ष तक आप डिपॉजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट, द टीडीएस स्टैंड फॉर, पहला ऑप्शन है मियादी जमा योजना, सभी जमा योजना पर, स्रोत पर कर कटौती या एट सोर्स सॉरी टैक्स रिड्यूकेटेड एट सोर्स या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस राइट आंसर है ऑप्शन 3rd, स्रोत पर कर कटौती अर्थात टैक्स रिड्यूकेटेड एट सोर्स, ये टीडीएस का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट, क्यूआर कोड कितने प्रकार के होते हैं, 1 प्रकार के 2 प्रकार के 3 प्रकार के या 4 प्रकार के। इस राइट आंसर है ऑप्शन 2nd, 2। क्यूआर कोड 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है गतिशील क्यूआर कोड और दूसरा होता है स्थिर क्यूआर कोड। गतिशील क्यूआर कोड को जीवंत क्यूआर कोड भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्यूआर कोड और बार कोड एक ही है, ट्रू या फॉल्स, तो बिल्कुल फॉल्स है, क्यूआर कोड और बार कोड बिल्कुल सेम नहीं है, क्यूआर कोड बार कोड का स्क्वायर रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक बचत जमा पर ब्याज दिया जाता है, प्रतिमाह, तिमाही, अर्धवार्षिक या वार्षिक, इस राइट आंसर है ऑप्शन 2nd, तिमाही। पहले सेविंग अकाउंट पर जो ब्याज मिलता था वो हमें हाफ ईयरली अर्थात अर्धवार्षिक मिलता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम पर अब बैंक में सेविंग अकाउंट के लिए जो ब्याज मिलता है वो हर तिमाही पे मिल जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन 2nd, तिमाही। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीआई 2.0 कब लॉन्च किया गया था, आपके ऑप्शन है 16 अगस्त 2019, 15 अगस्त 2019, 15 अप्रैल 2015 या 23 नवंबर 2017। इस राइट आंसर है ऑप्शन 1st, 16 अगस्त 2018। 16 अगस्त 2018 को यूपीआई का दूसरा वर्जन 2.0 लॉन्च किया था, क्योंकि यूपीआई में उस समय बहुत सारी समस्याएं आ रही थी, तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए उसका दूसरा वर्जन 2.0। नेक्स्ट, यूपीआई स्टैंड फॉर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनियन पेमेंट इंटरफेस या यूनिफाइड पे इंटरफेस। इस राइट आंसर है ऑप्शन 1st, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, UIDAI स्टैंड फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिया, यूजर इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, यूनिक इंट्रोड्यूस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस राइट आंसर है ऑप्शन 4th, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब इससे रिलेटेड एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आधार कार्ड निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आधार कार्ड यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात UIDAI के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीआई किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, NPCI, भीम ऐप, RBI या इनमें से कोई नहीं। इस राइट आंसर है ऑप्शन 1st, NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप इसे जरूर नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, POS का पूर्ण रूप क्या है, पॉइंट ऑफ सेल, पोजीशन ऑफ सेल एंड नोटा, इनमें से कोई नहीं। इस राइट आंसर है ऑप्शन 2nd, पॉइंट ऑफ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उमंग ऐप में एन का क्या तात्पर्य है, न्यू एज, न्यू गवर्नेंस, नेशनल या नन ऑफ दीज।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट न्यू एज। उमंग ऐप में ए का फुल फॉर्म होता है न्यू एज और जी का होता है गवर्नेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या डायल करके यूएसएसडी सेवा का लाभ उठा सकते हैं? *121#, *131*, *121*, एंड *999#। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है जिसके अंतर्गत मैंने आपको दोनों ऑप्शन सही बताए थे कि *121# और *999# का प्रयोग आप यूएसएसडी सेवा का लाभ उठाने के लिए कर सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन आपके डिजिटल फाइनेंशियल चैप्टर से है, तो डिजिटल फाइनेंशियल में यूएसएसडी सेवा का लाभ उठाने के लिए हमें *99# प्रेस करना होगा, जिसके द्वारा हम अपने अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस है, या आपको जो भी अमाउंट किसी को ट्रांसफर करना है तो आप यूएसएसडी के माध्यम से अमाउंट भी ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसकी एक छोटी सी लिमिट होती है, उस लिमिट के अंतर्गत आप अपना वर्क कर सकते हैं। ऐसे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आपको *99# प्रेस करना होगा, तो वहां पर आपके सामने यूएसएसडी कोड रन होके आ जाएगा। *121# का प्रयोग भी करते हैं हम अपने रजिस्टर्ड सिम से, या जो भी सिम हम आप यूज कर रहे हैं उससे, उस सिम से रिलेटेड सुविधाएं प्राप्त करने के लिए हम *121# का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया ऐप कौन सा है जो बैंक से बैंक सीधे पैसे ट्रांसफर कर सकता है? Paytm, भीम ऐप, फोन पे या गूगल पे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड भीम। भीम ऐप को भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था और इसे भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य डिजिटल इंडिया अर्थात इंडिया को कैशलेस बनाना था। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके और आसानी से आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेते रहें, ताकि आप CCC एग्जाम को टॉप कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें होंगे हम आपके साथ कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो नए टॉपिक और न्यू पैटर्न पर बेस्ड होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।